सारे देश में एक कोने से दूसरे कोने घूमकर फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या। और मैं आज आपको दिखाता हूं कि अयोध्या में किस कदर तैयारी चल रही है, किस कदर उत्सव का माहौल है और कितनी डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या एक मंदिर बनने से अयोध्या की तस्वीर बदलेगी, ये सब कुछ देखते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले भगवान रंग में रंग जाते हैं। जय श्री राम। अयोध्या में हर जगह कंस्ट्रक्शन चलती हुई दिखाई देंगी, नए होटल, नई धर्मशालाएं, नई दुकान, इतना रोजगार इस टाइम पे अयोध्या में देखने को मिल रहा है ना। वो लोग जो ये कह रहे थे कि एक मंदिर बनने से क्या होगा, मंदिर क्यों बना रहे हो, रोजगार दो, तो ये रोजगार नहीं तो और क्या भाई। अगर एक मंदिर पूरे शहर को रोजगार दे सकता है, पूरे शहर को बदलने की हिम्मत रखता है, तो इस तरह से तो हमें हर शहर में एक मंदिर चाहिए भाई। अयोध्या में गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस टाइम पे भंडारे लंगर हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं कि बेकार, बहुत बढ़िया, दिल से लोग सेवा कर रहे हैं। पूरे अयोध्या का यही माहौल है इस टाइम पे। तो अभी भंडारा ले लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और पहले हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने। और ये देखो, ये गली दिखाता हूँ मैं आपको, दोनों तरफ जो घरों के रंग है वो भगवा रंग है। इधर देखो और क्या ही प्यारा माहौल है, देखने में ही बनता है ऐसा माहौल है। इस सफाई का लेवल देख लो इस टाइम पे अयोध्या में, दिन में सुबह शाम। कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मुहि, हर हो कलेश बेकार। मंदिर में बैठे और पूरे उत्साह का माहौल है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर प्रताप महाजग बंदन, विद्वान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे दशरथ महल। दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि को वेद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव हि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योताही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहु को डरना, आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग। अब
से हम खड़े हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में, चारों तरफ आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, एकदम मस्त भव्य कंस्ट्रक्शन। और पीछे हमारे उस साइड पुराना राम मंदिर है जहाँ आज और कल यानी 19 तक दर्शन होंगे, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा और फिर 22 तारीख को प्राण समारोह के पश्चात 26 तारीख से नए मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से आगे हम कैमरा या फोन या घड़ी कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते, यहाँ से सिर्फ जूम करके थोड़ी सी जाके आपको दिख सकता। हाँ, नंगी आंखों से तो दिख रहा है लेकिन कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो जगह आपको नहीं दिखाई देगी। राम जन्मभूमि को देखने के पश्चात हम गए राम भद्राचार्य जी महाराज जी की राम कथा सुनने अमृत महोत्सव में। क्या ही प्यारा माहौल था, चारों तरफ लाइटिंग, एकदम शांति, और कथा सुन के क्या दिल खुश हुआ। ये नजारा सिर्फ अयोध्या में ही देखने को मिल सकता है। अयोध्या में इस टाइम हर बड़ी न्यूज एजेंसी, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा यूट्यूब और फेसबुक न्यूज चैनल इस टाइम पे अयोध्या में मौजूद है। हमने अयोध्या में अब तक टोटल 5 इंटरव्यूज दिए हैं। जो परंतु सभी भगवादारियों ने लिया है, जो परंतु सभी हिंदुस्तानी सभी सनातनी भाइयों ने लिया है, वही परंतु मैंने लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तो पूरे हिंदुस्तान का एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद एक बात और कहता हूँ, पिछली सरकारों ने तो इसको टालने की कोशिश की, 24-24 वकील खड़े किए अपोजिट में, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कप्तान जहाज का हमेशा साथ खड़ा रहता है डूबने से पहले उसे बचाने तक। तो मोदी योगी उस तरह से आए हैं, और मोदी योगी ने जो ये परिवर्तन लाया कि रात को 11 बजे हम अवध की सड़कों पे घूम रहे हैं, ये भगवान राम की ही कृपा है कि इतने लोगों के बीच में खड़े होने का साहस हमें प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा जो रात को अयोध्या नगरी धर्मपथ सरयू घाट जो माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेशी डेवलप्ड नेशन में हम घूम रहे हो। आने वाले समय में पूरी अयोध्या इसी तरह से जगमगाने वाली है। तो इस जगमगाहट के बीच आप अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने चाहने वालों के साथ रामलला के दर्शन कब करने आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको भी मेरी तरह राम मंदिर बनने पर खुशी है तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।